आदरणीय भगवान, क्लाउड का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है। तो क्लाउड एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम करने वाली कंपनियों के शेयर्स क्यों ना चढ़ेंगे? आप देख लीजिए, छोटी सी कंपनी है ई2ई नेटवर्क, ये कंपनी भी क्लाउड एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नेटवर्क तैयार करती है, इक्विपमेंट सप्लाई करती है, हार्डवेयर देती है, सॉफ्टवेयर भी बनाती है। इस कंपनी का शेयर पिछले एक वर्ष में 8 गुना हो गया है महोदय। और सोने पर सुहागा वाली बात यह है कि इतने महंगे वैल्यूएशन पर, जी हाँ, 250 का प्राइस टू अर्निंग है इस कंपनी का, इतने ज्यादा महंगे वैल्यूएशन पर एलएनटी ने इस कंपनी में 21% की हिस्सेदारी खरीद ली है। दरअसल एलएनटी भी डेटा सेंटर का काम करती है, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर बना के देती है। तो अब एलएनटी ने ये जो हिस्सेदारी खरीदी है उसके दम पर एलएनटी के जो सॉल्यूशंस हैं, नेटवर्क सॉल्यूशंस हैं, उनमें ई2ई नेटवर्क के जो भी इक्विपमेंट्स हैं, जो भी सिस्टम हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, उनका इस्तेमाल हो जाएगा। एलएनटी डेटा सर्विसेज अब और अधिक मजबूत हो जाएंगी। आपको ध्यान होगा, एलएनटी डेटा सेंटर में, क्लाउड में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, सेमीकंडक्टर में, सभी क्षेत्रों में बहुत अच्छा काम कर रही है। एलएनटी का ये डिसीजन उसी दिशा में उठाया हुआ कदम है। वैसे एलएनटी बहुत बड़ी कंपनी हो चली है, उसमें इतनी अनाप शनाप उछाल की संभावनाएं नहीं है। लेकिन ई2ई नेटवर्क भले ही अभी आपको महंगा लग सकता है, लेकिन इस कंपनी का भविष्य बहुत उज्जवल है। महंगे वैल्यूएशन में अगर थोड़ी बहुत गिरावट आ जाए तो ई2ई नेटवर्क भी खरीदारी का सुनहरा अवसर पेश कर सकता है। इसी तरह की कंपनियों में रिकमेंडेशन मैं सदैव देने का प्रयास अपने क्लाइंट्स को करता रहता हूँ। आपसे करबद्ध निवेदन है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, उस पर क्लिक करके अभी के अभी मेरा क्लाइंट बन जाइएगा श्रीमान।